हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज को जिसमें एक लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी। तो एक दिन एक फॉरबिडन बुक के मंत्र को पढ़ता है और गलती से अंधेरों की दुनिया से एक डायमंड गर्ल को आजाद कर देता है जो कि उसके पीछे ही पड़ जाती है। अब उसकी वजह से उसकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है ये कहानी में आगे देखेंगे। कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि कोकी नाम का लड़का किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी वो एक बुक के पेज को अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। तभी वहाँ टेंकाई नाम का शैतान आता है जिसे देख कोकी काफी डर रहता है और वो कहता है, मैं तो सिर्फ उसे आजाद कर रहा था। लेकिन टेंकाई अपनी तलवार उसके सीने में घुसाकर उसे मार देता है। अब हम पांच लोगों को गेम खेलते हुए देखते हैं जहाँ हाची नाम के लड़के की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करती है। तो हाची गेम को बीच में ही छोड़कर उसे मैसेज करने लगता है जिस वजह से उसकी टीम ये मैच हार जाती है। तो हाची का टीममेट उससे पूछता है कि तुम ये मैच बीच में छोड़कर किससे बात कर रहे थे। तो हाची कहता है अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से जो कि बहुत सुंदर है। तो उसका टीममेट कहता है, आजकल ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहे, कहीं तुम्हें लेने के देने न पड़ जाए। लेकिन हाची उसकी बात नहीं मानता और घर आकर भी वो उससे चैट करता रहता है। तभी वो उसे वीडियो कॉल करता है जिसे वो लड़की गलती से उठा लेती है जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक 50 साल का बुढ़ऊ होता है। जिसे देख हाची परेशान हो जाता है कि भाई ये कौन है। अब अगले दिन कॉलेज में हाची अभी भी परेशान होता है कि कल जिस आदमी को उसने देखा था क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड के डैड थे या फिर वो एक फ्रॉड था। फिर ये बात वो अपने दोस्त एंथनी को बताता है। तो एंथनी कहता है, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत आम बात है, इसलिए वो एक फेक आईडी होगी। तभी वहाँ क्लास के कुछ बदमाश बच्चे आते हैं जो हाची का फोन छीन लेते हैं और हाची ने जो मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को भेजे थे वो उसके असली मैसेज को जोर जोर से पढ़ने लगते हैं जिससे हाची काफी एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके टीचर उसे रोक लेती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ पर हाची अरीसा को देखता है जो काफी प्रिटी होती है। तभी टीचर हाची से पूछती है कि क्या तुम कोकी के बारे में जानते हो, वो एक हफ्ते से लापता है और तुम्हारे डैड की टीम भी उसे ढूंढ रही है। तो हाची कहता है, नहीं, मुझे कोकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम हाची के डैड इनोकाई को देखते हैं जहाँ नीको आती है जो काफी एनर्जेटिक होती है। वो कहती है कि कॉलेज की लाइब्रेरी में जो खून मिला था वो कोकी के डीएनए से मैच हो गया है और ये किताब भी वही मिली है जिसे किसी ने बहुत शार्प ब्लेड से काटा है। तो इनोकाई कहता है, वैसे तुम हो कौन। तो नीको कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है और मुझे आपके साथ काम करने को कहा गया है जो मेरे लिए गर्व की बात है। अब हम हाची को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ कोकी की मिसिंग होने के बारे में बात कर रहा था। तो एंथनी कहता है, कोकी औरों से काफी अलग था क्योंकि वो तंत्र मंत्र में ज्यादा ही विश्वास करता था। फिर वो एक बुक के पेज को दिखाता है जिसे कोकी ने अपने गायब होने से पहले पोस्ट किया था। फिर हाची उससे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि इस रिचुअल को करने वाले को उसका प्यार मिलेगा। तो हाची अपनी लाइफ में इतना ज्यादा सिंगल होता है कि वो ये पढ़ के खुश हो जाता है और एंथनी को ये फोटो अपने फोन पर भेजने को कहता है। अब घर जाकर हाची रिचुअल में होने वाले मंत्र को पढ़ता है और जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करता है। अब उस रिचुअल को करने के लिए उसे किसी कुंवारे लड़के का ब्लड चाहिए था तो वो खुद ही अपना ब्लड चढ़ा देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हाची अपने कॉलेज जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की बुलाती है जिसे देख हाची सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की उसे बुला रही है, लगता है उसका मंत्र काम कर गया। तो वो उस लड़की से कहता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो वो लड़की कहती है, अबे कौन है तू ठरकी, और हाची के पीछे खड़े लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है। तब हाची समझ जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही थी। अब हाची मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है जो हाची के पास आकर कहती है कि मैं हूँ प्रिंसेस इजुना और मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तो अब चलो हम दोनों संबंध बनाते हैं। तो हाची को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तो इजुना से कहता है, तुम्हारा कैमरा कहाँ है। तो इजुना कहती है, मेरे पास टाइम कम है तो चलो जल्दी से संबंध बनाते हैं। अब ये सुन हाची काफी नर्वस हो जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब घर आकर हाची खुद से कहता है कि भाई कौन थी वो पागल लड़की। इतने में इजुना कहती है, क्या ये तुम्हारा घर है। जिसे देख हाची चिल्ला उठता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो इजुना फिर से कहती है कि चलो हम दोनों संबंध बनाते हैं और उसके होंठ पे काट लेती है और इसके बाद वो उसके कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी मॉम आ रही होती है जिसे हाची रोकने जाता है। लेकिन तब तक उसकी मॉम अंदर आ जाती है। जब हाची पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से इजुना गायब हो चुकी थी। अब ये सारी बात हाची अपने दोस्त एंथनी को बताता है जिसे सुन एंथनी को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आता। तभी वहाँ पर इजुना आती है जिसे देख एंथनी समझ जाता है कि हाची सच कह रहा है। अब हाची इजुना के लिए कोला लाता है जिसे देख वो कहती है कि ये नाली का पानी क्यों लाए हो। तो हाची कहता है, ये कोला है। तो इजुना उसे पीती है जो उसे काफी पसंद आता है। फिर वो तेजी से कहती है कि चलो अब संबंध बनाते हैं। तो ये सुन वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर हाची उससे कहता है, जरा धीरे बोलो और तुम मेरे साथ ही क्यों करना चाहती हो। तो इजुना कहती है, क्योंकि तुमने ही रिचुअल में अपना खून चढ़ाकर मुझे सील तोड़कर आजाद किया था। जिसे सुन वो दोनों चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया। फिर इजुना कहती है, मुझे जल्द ही तुम्हारे साथ संबंध बनाना
होगा वरना मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। किराची उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इजी बुला सकता हूँ। तिजुला कहती है ठीक है। किराची कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे पसंद भी हो, लेकिन संबंध बनाने से पहले लोग डेट पर जाते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वही एंथनी नोटिस करता है कि इजी बिल्कुल उस बुक की तस्वीर की तरह है जिसे कोकी ने आखिरी बार पोस्ट किया था। वही इजी हाची को डेट पर चलने को कहती है। अब इजी और हाची डेट पर जाते हैं जहाँ वो दोनों थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। अब वापस आते टाइम हाची को कॉलेज के बदमाश बच्चे मिल जाते हैं। तब मसातो इजी को देखकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें हाची जैसे लूजर को छोड़कर मेरे साथ मेरे कजन हयातो की पार्टी में आना चाहिए जो बहुत ही अमीर है क्योंकि वो ही पोंगी फैमिली से है। फिर वो उसे इन्विटेशन देकर वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद हाची कहता है कि हयातो ये पोंगी फैमिली से है और उन अमीर जादो की पार्टी में सिर्फ बेकार के लोग ही आते हैं, इसलिए तुम वहाँ मत जाना। अब इजी पोंगी नाम सुनकर हाची के साथ तुरंत संबंध बनाने को कहती है, लेकिन हाची मना कर देता है कि इसके लिए पहले हमें एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए। जिस पर इजी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते तो ठीक है, मैं पार्टी में जा रही हूँ और वहीं पर किसी के साथ संबंध बना लूंगी। तो हाची उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इजी पार्टी में चली जाती है। अब हाची गेम सेंटर आता है जहाँ एंथनी उसे बताता है कि सभी लोग पोंगी की पार्टी में गए हैं। तो हाची कहता है इजी भी उसी पार्टी में गई है और अब मैं भी जा रहा हूँ। तो एंथनी उसे बताता है कि वो लड़की काफी अजीब है, इससे तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन हाची उसकी बात नहीं मानता और कहता है आखिर कोई तो लड़की है जो मुझे पसंद करती है, इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं, और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब हाची के जाने के बाद एंथनी इजी के बारे में पढ़ने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि इजी एक फॉक्स डेमन है और अगर वो किसी कुंवारे लड़की के साथ संबंध बनाती है तो उसकी रियल पावर वापस आ जाएगी और साथ ही इजी की जान उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी जिसके साथ वो संबंध बनाएगी। वही हम हयातो की पार्टी देखते हैं जहाँ हाची भी आ चुका था। तभी मसातो हाची की इंसल्ट करता है कि तुझे यहाँ किसने बुलाया, लेकिन इजी ब्लेड फेंक कर मसातो को धमकाती है। अब हाची इजी को वहां से ले जाता है और एक स्टोर रूम में लाता है कि तुम सही थी, मैं औरों से काफी स्लो हूँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ इजी। ये सुन इजी उसकी ओर देखती है। फिर हाची कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने को तैयार हूँ। अब ये सुन इजी हाची के कपड़े उतार कर उससे संबंध बनाने लगती है। अब ऐसा करते ही इजी की फॉक्स टेल बाहर आ जाती है जिस पर हाची ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो कहीं और ही खोया था। अब करने के बाद इजी उससे कहती है कि हम दोनों अब से एक हो चुके हैं। तभी इजी की नजर हयातो पर पड़ती है तो वो उसके पास जाती है जहाँ हयातो उसे अपने कमरे में ले आता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो इजी से पूछता है कि तुम कितने साल की हो। तो इजी कहती है कि मैं 521 साल की हूँ, लेकिन हयातो को उसकी बात मजाक लगती है। वही इधर इजी के बारे में जानने के बाद एंथनी अपने दोस्त को बचाने पार्टी में आ जाता है जहाँ वो हाची को बताता है कि इजी एक फॉक्स डीमन है और वो जिसके साथ भी रिलेशन बनाएगी उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। अब ये सुन हाची की तो हालत खराब हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। वही हम हाची के डैड इनोकाई को देखते हैं जो कॉकी का लैपटॉप चेक करते हैं जिसमें से उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें कॉकी एक बुक को दिखाते हुए कहता है कि इस बुक में योकाई यानी डेमन के बारे में काफी सीक्रेट्स हैं जो इस दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। वही हम कॉकी को देखते हैं जो कि मर चुका है और उसके पास वही बुक होती है। वही पास में तेनकाई होता है जिसे अब तक पता चल गया था कि किसी ने इजी को सील से आजाद कर दिया है। अब इधर इजी हयातो की फैमिली के बारे में बात करती है जिस पर हयातो कहता है तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सब कैसे जानती हो। तो इजी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम मेरे ही टारगेट हो, और अपनी तलवार से उसका सर उड़ा देती है। अब जब हाची और एंथनी इजी को ढूंढते हुए वहां आते हैं तो इजी उन दोनों को हयातो का सर दिखाते हुए कहती है कि इसे रखने के लिए कौन सी जगह अच्छी होगी। अब ये देख उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी बाहर कुछ लोग अंदर आने लगे। इतने में इजी अपनी पावर से हयातो के सर के साथ उन दोनों को हाची के घर ले आती है जहाँ अभी भी वो दोनों काफी डरे हुए थे। एंथनी धीरे से हाची के कान में कहता है कि ये एक डायमंड है और एक खूनी भी। तो इजी कहती है कि मैं दूर तक सुन सकती हूँ। तो एंथनी से कहती है क्यों ना मैं तुम्हारा गला काट दूं ताकि तुम बकवास ना कर सको। अब इससे एंथनी काफी डर जाता है और उसे सॉरी कहने लगता है। फिर इजी कहती है यह आइस केव कहाँ है, मुझे ये सर रखना है। तो एंथनी कहता है मुझे नहीं पता। फिर इजी कहती है कि मुझे एक रिचुअल यानी पूजा करनी है जिसमें इस सर की जरूरत पड़ेगी, तो तुम दोनों कोऑपरेट करोगे ना। तो हाची डरता हुआ कहता है बिल्कुल करेंगी। फिर वो एंथनी से पूछता है करेंगे ना। तो एंथनी कहता है हाची ये मुसीबत तू ही लाया है तो अब तू ही संभाल, और खुद वहां से भाग जाता है। फिर इजी हाची से कहती है कि तुम मेरे मिशन के बारे में किसी को बताओगे तो नहीं ना, वरना मैं तुम्हारे ब्लड को फ्रीज कर दूंगी और तुम्हारी हड्डियों के साथ डांडिया खेलूंगी और तुम्हारे दिल का शोरबा बनाऊंगी। अब उसकी इस धमकी से हाची की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर इजी कहती है समझ गए ना। तो डरते हुए हाची सिर हिलाता है हाँ। वही दूसरी ओर पुलिस हयातो की डेड बॉडी चेक करती है जहाँ उन्हें हयातो की सिर्फ डेड बॉडी मिलती है लेकिन सर नहीं मिलता। वहीं पर तेनकाई भेस बदल कर आता है और हयातो की बॉडी के पास
पास एक लाल रेत बिखेरता है जिससे उसे पता चल जाता है कि आयो तो कोई जी ने मारा है। इसके बाद बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। अब हम हाची को देखते हैं जो इजी से घबराया हुआ था, तो वो इजी की तारीफ करता है ताकि वो उसे कुछ करे ना, और फिर हयातो का सर लेकर फ्रिज में रख देता है। फिर वो इजी से माफी मांगता है कि उसने उसे गलती से आजाद कर दिया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए अच्छा होगा कि वो दोनों आपस में अलग हो जाए। तो इजी कहती है कि मैंने पहले ही बताया था कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं, अगर मैं तुम्हारे भाषा में कहूँ तो हम दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है। तो हाची कहता है पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी तो अलग हो जाते हैं। तो इजी कहती है लेकिन हमारा रिलेशन अब जन्मों तक का है और हम कभी अलग नहीं हो सकते। फिर वो हाची को किस करती है और दोबारा उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब अगली सुबह जब हाची उठता है तो वो डायमंड गर्ल इजी उससे कहती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो हाची को लेकर बाहर कहीं आ जाती है। तो हाची उससे बहाने करने लगता है कि मुझे स्कूल जाना है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, इसलिए बाद में मिलते हैं। तो डायमंड गर्ल उससे कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम दोनों अब एक हो चुके हैं और हम दोनों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ चुकी है। अगर किसी ने मुझ पर हमला किया तो तुम भी मारी जाओगी और किसी ने तुम पर हमला किया तो मैं भी मारी जाऊंगी। ये सुन हाची तो पूरा शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। तब इजी एक आइसक्रीम ऑर्डर करती है जो उसे काफी पसंद आता है। इसके बाद इजी हाची से कहती है अब मुझे चार और लोगों के सर चाहिए ताकि मैं रिचुअल परफॉर्म कर सकूं। अब ये सुन हाची के तो होश उड़ जाते हैं। तो इजी उससे कहती है कि तुमने मेरी मदद करने के लिए कहा था। तो हाची कहता है मगर मैंने किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। फिर इजी कहती है हमें इससे पहले एंगेजमेंट करनी होगी ताकि हम फिजिकली और आध्यात्मिक रूप से एक हो सके। अब ये सुन हाची चिल्लाते हुए कहता है एंगेजमेंट मतलब शादी। तो इजी कहती है हाँ और वो आज ही होगी। तो हाची उससे बहाने करने लगता है कि आज उसे बहुत काम है। फिर वो उसे एक फोन देता है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। उस फोन को देखकर इजी काफी सरप्राइज होती है क्योंकि 500 साल पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इसके बाद हाची अपने दोस्त एंथनी के पास आता है जहाँ उससे हेल्प मांगता है कि भाई बचा ले मुझे, वो डायमंड गर्ल तो मुझसे शादी करना चाहती है। तो एंथनी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है कि भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता इन सब में और ये मुसीबत तू ही लाया है तो तू ही झेल। लेकिन हाची एंथनी से काफी रिक्वेस्ट करता है जिस पर एंथनी कहता है कि तुम्हारे डैड एक पुलिस वाले हैं तो तुम उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगते। जिस पर हाची कहता है मैं उनसे हेल्प नहीं मांग सकता, अगर उन्हें पता चला कि मेरे फ्रिज में एक इंसान का सर है तो वो मेरी जान ले लेंगे। इसके बाद वह एंथनी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है तो एंथनी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों संस्कृत की कुछ मैजिकल बुक्स पढ़ रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर मिस एरिसा आती है जो हाची को पहचान लेती है। फिर वो पूछती है कि तुम दोनों ये मैजिकल बुक क्यों पढ़ रहे हो। तो एंथनी जल्दी में कहता है कि हम योकाई यानी डेमन को इस दुनिया से वापस भेजना चाहते हैं। जिस पर हाची झूठ बोलता है कि वो सिर्फ एक स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर एरिसा उन्हें एक पुरानी बुक देती है जिसमें डेमन को धरती से वापस भेजने के बारे में लिखा होता है। तो हाची उससे पूछता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना सब कैसे पता। तो एरिसा कहती है क्योंकि उसकी फैमिली मैथोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानती है इसलिए उसे ये सब पता है। इसके बाद वो चली जाती है लेकिन असल में वो वहाँ से जाती नहीं बल्कि उन दोनों को इजी के बारे में बात करते हुए सुनती है। फिर वो अपने हाथ के ब्रेसलेट को देखती है जो कोई साधारण ब्रेसलेट नहीं होता। अब उस रात हाची इजी को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए बाहर जा रहा था। तभी उसके डैड मिल जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो हाची कहता है मैं एंथनी के घर पढ़ने जा रहा हूँ। फिर उसके डैड हयातो के बारे में पूछते हैं कि वो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो हाची झूठ बोलता है कि मैं उसे नहीं जानता जबकि हयातो का सर उसके फ्रिज में ही होता है। अब हाची एक खाली जगह पर आता है जहाँ एंथनी भी आया था। अब वो दोनों सारा सामान इकट्ठा करते हैं जो कि उस बुक में लिखा था। फिर हाची इजी को कॉल करके उसे बुलाता है। फिर एंथनी भी टेबल के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ इजी आती है जिसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। फिर वह एंगेजमेंट की खुशी में वहाँ पर डांस करने लगती है जो कि उसने टिकटॉक पर सीखा था, जिसे देख हाची सोचता है कि ये कौन सा डांस है भाई। तभी एंथनी इजी को अंधेरी दुनिया में वापस भेजने के लिए मंत्र पढ़ता है जिससे इजी काफी गुस्सा हो जाती है और एंथनी को उठाकर पटक देती है। तब डर के मारे एंथनी धारदार चीज उसके सामने करता है जो सच में इजी को लग जाती है। तो एंथनी कहता है मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, लेकिन डेमन गर्ल इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो उसे सच में मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी हाची उसे रोक लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एंथनी को छोड़ दे। अब भले ही वो काफी गुस्से में होती है लेकिन अंदर से वो काफी क्यूट और इनोसेंट होती है, इसलिए वो एंथनी को छोड़ देती है। लेकिन वो हाची से काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसका एंगेजमेंट का दिन खराब कर दिया। इजी उससे कहती है कि अब वो उससे बात नहीं करेगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर हम टेनकाई को देखते हैं जो कॉकी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अचानक से टेलीपोर्ट होके इजी पर हमला कर देता है। वो इजी से कहता है तुम्हें तो अंधेरी दुनिया में कैद किया गया था तो तुम यहाँ क्यों आई। तो इजी कहती है तुम्हें एक बार फिर से मारने। अब उन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होती है और वो दोनों एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होके लड़ते रहते हैं। लेकिन
केनिजी की पावर उससे कमजोर होती है क्योंकि उसने हाची जैसे एक कमजोर इंसान के साथ संबंध बनाया था, इसलिए तेनकाई उस पर भारी पड़ता है और उसे अपनी तलवार से घायल कर देता है। लेकिन निजी भी उसका लॉकेट तोड़ देती है जिस वजह से तेनकाई अब टेलीपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब इसका फायदा उठाते हुए इजी वहां से भाग जाती है। अब इजी टेलीपोर्ट होकर हाची के रूम में आती है और अपने घाव पर कीड़े का ब्लड लगाती है। क्योंकि इजी हाची से बात नहीं करती इसलिए हाची को भी पता नहीं चलता कि इजी घायल है। अब अगले दिन हाची एंथनी के साथ कॉलेज जा रहा था जहां वो उससे कहता है कि हमें इजी के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि वो लोगों को ना मारे। वही दूसरी ओर तेनकाई जादू करके कोके को जिंदा करता है लेकिन वो पूरी तरह जिंदा नहीं होता बल्कि आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी होता है। वो तेनकाई से पूछता है ये मेरे साथ क्या हुआ। तो तेनकाई कहता है अब तुम भी मेरी तरह जिंदा लाश बन चुके हो। ये सुन कोकी उसे गाली देने लगता है लेकिन तेनकाई अपने जादू से उसका दिल निकाल लेता है और उसे कहता है अब से तुम मेरे गुलाम हो इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। वहीं इधर देवीजी उठती है तो उसे अब भी काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उसका घाव अभी तक नहीं भरा था। तो वो देखती है कि हाची उसके लिए लंच रख कर गया था तो मन ही मन वो काफी खुश होती है। वही हाची को कॉलेज में मसातो मिल जाता है जो उसे परेशान करने लगता है कि तुम्हारे डैड ने अभी तक मेरे कजन हयातो के कातिल को नहीं पकड़ा। वो हाची को मारने ही जाता है लेकिन तभी वहाँ इजी आ जाती है जो उसका हाथ मोड़कर वहाँ से भगा देती है। लेकिन फिर से इजी के घाव पर तेज दर्द होता है तो हाची उसे पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोकी भी वहाँ पर आया था जो छुपकर उन दोनों को देख रहा था। वही हाची इजी से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो तुम्हें मानने होंगे। तो पहला रूल ये है कि तुम्हें रहने के लिए कोई घर ढूंढना होगा। तो इजी कहती है वो क्यों भला, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। तो हाची कहता है बिल्कुल नहीं क्योंकि मेरी मॉम को एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम मेरे साथ रहती हो इसलिए सब गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरे रूल में कहता है कि तुम्हें यहाँ के लोगों जैसे कपड़े पहनने होंगे। और तीसरे रूल में कहता है कि उसे किसी को भी नहीं मारना है। अब ये सब हाची बता ही रहा था कि इजी के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो हाची से कहती है कि वो उसे किसी साफ स्प्रिंग वाटर के पास ले जाए। तो हाची उसे उठाकर एक साफ झरने के पास लाता है। अब वो जैसे ही इजी को पानी पिलाता है उसका जख्म तुरंत भर जाता है जिसे देख इजी भी काफी हैरान होती है। ये स्प्रिंग वाटर उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। फिर हाची उससे पूछता है कि तुमने अपने इस चोट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो इजी कहती है क्योंकि मुझे इंसानी दुनिया में किसी पर यकीन नहीं है। तो हाची कहता है भले ही तुम्हें किसी पर यकीन ना हो लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अब ये सुन इजी उसके करीब आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वह इधर हाची के डैड हयातो के पिता से मिलने आए थे जो उससे हयातो के डेथ के बारे में सवाल करते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। लेकिन मिस्टर इपोंगी उससे कुछ भी नहीं बताता और फालतू के सवाल जवाब करता है। तभी इपोंगी का लीगल एडवाइजर रेंजो वहां आता है जो ऑफिसर इनुकाई से कहता है कि जब से हयातो की डेथ हुई है तब से मिस्टर इपोंगी पागल से हो गए हैं इसलिए आप लोग यहां से चले जाएं। वहीं इधर हाची और इजी जब वहां से वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे पूछता है कि यहां क्या हो रहा है भाई। तो हाची कहता है हम बस ऐसे ही टहल रहे थे। तो आदमी धीरे से कहता है लेकिन तुम चैन बंद करना भूल गए और ये कहकर हंसने लगता है कि मैं भी अपनी जवानी का टाइम ऐसे ही करता था। फिर वो आदमी कहता है ये जगह पूरी जादुई शक्तियों से बनी है और तुम जब भी यहाँ आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। इसके बाद हाची इजी को लेकर एक खाली बिल्डिंग में आता है जहाँ वो अपना फ्रिज भी लाया था जिसमें हयातो का सर होता है। फिर वो इजी से पूछता है कि तुम्हें और लोगों का सर क्यों चाहिए। तो इजी हाची का सर अपने सर से टच करती है और उसे अपने पास्ट का सीन दिखाती है कि पहले योकाई और इंसान साथ में रहते थे लेकिन इंसानों को लालच आ गया और उन्होंने योकाई को धोखा दिया और उन्हें मारने लगे यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरी माँ को भी मार डाला। और फिर पांच पावरफुल क्लैन के लोगों ने बाकी बचे योकाई को अंधेरे की दुनिया में कैद कर दिया जहाँ ना ही वो मर सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मुझे उनके कर्ज को तोड़कर अपने भाइयों को अंधेरी दुनिया से आजाद करना है और तुम अकेले हो जिसने मुझे इस नर्क से बाहर निकाला इसलिए मुझे अपने साथियों को आजाद करने के लिए उन पांच क्लैन के लोगों के वारिस का सर चाहिए। वही हम रेंजो को देखते हैं जो तेनकाई के पास आया था। तभी कोकी पीछे से उस पर हाथ रखता है तो रेंजो डर जाता है। कोकी उसे कहता है क्या मैं तुम्हारा जैकेट पकड़ लूं। तो रेंजो कहता है तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तो कोकी कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और उसे मारने आता है। लेकिन रेंजो के पास भी जादुई शक्तियां थी तो वो कोकी को मारने लगता है लेकिन तेनकाई उसे रोकता है कि ये भी अब हमारी तरह है। तो रेंजो डीमन गर्ल के बारे में पूछता है कि उस योकाई का क्या हुआ, उसकी वजह से पुलिस हम पे शक कर रही है और हमारे पीछे पड़ी है। तो तेनकाई कहता है तुम चिंता मत करो उसके लिए मैंने प्लान बना लिया है। अब नेक्स्ट सीन में हाची इजी से मिलने आता है जहाँ वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे अपनी सेफ्टी के लिए इजी ने ही लगाया था। फिर वो हाची को ट्रैप से छुड़ाती है। अब अंदर आकर हाची देखता है कि इजी ने फ्लोर पर काफी कुछ बनाया था जहाँ पर हयातो का सर भी होता है। फिर इजी उसे एक पेंटिंग दिखाती है
रही है और कहती है कि बाकी सर को ढूंढने के लिए उसे ड्रैगन मगात्मा चाहिए जिसे उसने इस फोन में ढूंढ निकाला है। तो हाची देखता है ये लोकेशन उसके कॉलेज की ही थी। इजी उससे कहती है कि तुम मुझे वहां ले चलो, लेकिन हाची नहीं चाहता था कि इजी किसी को भी मारे और उसके सर से पूजा करे, इसलिए वो उसे ले जाने से मना करता है। तो इजी खुद ही उसे ढूंढने निकल जाती है। वह इधर कॉकी हैकर की तरह लैपटॉप में कुछ उल्टा सीधा सर्च कर रहा होता है। अब इधर हम कॉलेज की लाइब्रेरियन मिस स्वादा को देखते हैं, जहाँ इजी आती है और उसे धमकाते हुए कहती है कि ड्रैगन मगात्मा कहाँ है। तो मिस स्वादा कहती है कि उसे कोई उधार पर ले गया है। तो उसकी पावर को देखकर उससे कहती है क्या योकाई सच में होते हैं। तो इजी कहती है क्या तुम्हें सच में योकाई देखना है। तब वो उसे एक विजन दिखाती है जिसे देखकर मिस स्वादा बेहोश हो जाती है। इधर हाची जब अपनी अलमारी खोलता है तो उसमें से इजी बाहर आती है जो उससे बताती है कि उन्होंने मगात्मा किसी और को दे दिया है, तो तुम मुझे उसे ढूंढने में हेल्प करो। लेकिन हाची मना कर देता है। तो इजी कहती है अगर तुमने उसे ढूंढने में मेरी मदद की तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। अब ये सुन वो उसकी मदद के लिए मान जाता है और उसे अपने गेमिंग सेंटर में ले जाता है और वहां पर अपनी टीम से मिलवाता है। अब वो हकीकी से मिलने जाता है, लेकिन उसका टीममेट उसे टूर्नामेंट खेलने के लिए वहां बैठा लेते हैं। लेकिन तभी उन सबका कंप्यूटर हैक हो जाता है और हाची के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि संस्कृत में लिखा था, जिसे इजी पढ़ती है। इसमें लिखा था कि अगर ये तुम्हें चाहिए तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तब हकीकी कहती है कि इसकी इतनी मजाक, ये गधा मुझे चैलेंज करे। फिर वो कंप्यूटर निकाल कर उल्टा उस हैकर की आईडी हैक कर लेती है और उसकी लोकेशन ढूंढ लेती है, जो कि वो लोकेशन उनके कॉलेज लाइब्रेरी के बेसमेंट की थी। जिसके बाद वो चारों लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाते हैं, जहां हाची को रास्ते में मिस अरिसा मिलती है जो इजी के कपड़े देखकर कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो हाची उससे झूठ बोलता है कि ये कॉस्प्लेयर है। इसके बाद हाची इजी को लेकर बेसमेंट में जाने लगता है। तभी अरिसा अपने ब्रेसलेट को देखती है जो कि चमक रहा होता है, तो समझ जाती है कि हाची कुछ छिपा रहा है। वहीं वो चारों उस लोकेशन को ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी के आखिर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक स्टिकर लगा था। तो इजी समझ जाती है कि आगे भी कोई रास्ता है। फिर वो बुक सेल्फ को पुश करती है तो वहां पर एक डोर ओपन होता है, तो सभी उसके अंदर चले आते हैं जो कि एक टनल होता है। फिर रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी कैट दिखती है, जिससे डर कर हकीकी और एंथनी वापस भाग जाते हैं। दरअसल ये कैट इजी ने ही अपने जादू से बनाया था, क्योंकि उसे आगे किसी खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों किसी मुसीबत में पड़े। ओकी आता है जो जोम्बी वाली आवाज में इजी से कहता है प्रिंसेस इजुना आखिर तुम इस दुनिया में आ ही गई। तो इजी हाची से कहती है कि कौन है भाई ये। तो हाची कहता है ये हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट था जो कि अब तक गायब था। फिर कोकी कहता है मैं इसे बहुत टाइम से समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तुमने कैसे किया। तभी हाची उसे ध्यान से देखता है और उससे कहता है क्या तुम जोम्बी बन गए हो। तो कोकी कहता है जोम्बी होगा तेरा बाप, और उसे मारने आता है। तभी इजी ब्लेड से उस पर वार करती है। तभी अचानक से वहां पर तेनकाई आ जाता है। दरअसल ये प्लान उसने ही बनाया था, क्योंकि इस जगह पर टेलीपोर्ट की शक्तियां काम नहीं करती। वो इजी पर हमला करता है और हाची से कहता है आखिर तुम ही वो बेवकूफ हो जिसने इसे आजाद किया। फिर वो हाची पर हमला करता है, लेकिन इजी उसे बचा लेती है और स्मोक करके वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और उस टनल से बाहर आ जाते हैं, जहां इजी अपने टेलीपोर्ट पावर से हाची को लेकर गायब हो जाती है। अब इस हादसे के बाद हाची इजी से पूछता है कि वो कौन था। तो इजी कहती है कि वो तेनकाई है जो पहले एक सामुराय था, लेकिन उसने लाइफ के रूल को तोड़ा और अब वो ना ही मरा हुआ है और ना ही जिंदा, और वो उन 5 क्लैन के लोगों के लिए काम करता है। वही इधर ऑफिसर इनुकाई और निको रेंजो का पीछा करते हैं और उसका पीछा करते करते एक टेंपल पर पहुंच जाते हैं, जहां कोई उन्हें भागता हुआ दिखाई देता है। जब वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें एक टनल में जाने का रास्ता मिलता है। अब हम उन 5 लोगों को देखते हैं जो उन 5 क्लैन के लोगों के वारिस थे, जिनके पूर्वजों ने बचे हुए सभी योकाई को अंधेरे की दुनिया में कैद कर दिया था। तभी वहां पर रेंजो आता है। तब उनमें से एक आदमी रेंजो से पूछता है कि वो डायमंड गर्ल इस दुनिया में कैसे आई। तो रेंजो कहता है कि किसी ने उस फॉरबिडन बुक को चुरा लिया है और उससे रिचुअल परफॉर्म किया था, जिससे इजुना वापस आ गई, और झूठ बोलता है कि वो बुक हमें अब तक नहीं मिली है, जबकि वो बुक तो उसने तेनकाई को रखने को दी है। तभी उन 5ों में एक लेडी चेयरपर्सन होती है जो कहती है कि अब वक्त आ गया है, हमें एक बार फिर से एक होना होगा। तभी हम उनमें से एक आदमी को देखते हैं जो कि वही आदमी होता है जो इजी और हाची से पहले ही झरने पर मिल चुका था। वहीं अब हम हाची के पुलिस डैड इनुकाई और नीको को देखते हैं जो रेंजो का पीछा करते करते एक टनल तक पहुंच जाते हैं, जहां काफी बड़ी सुरंग थी। तभी रास्ते में उन्हें तेनकाई मिलता है जो हाची की डेड बॉडी अपने साथ ले जा रहा था। तो तेनकाई पुलिस को देखकर उन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इजी को देखते हैं जो अपनी मॉम की समाधि पर आई थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने भाइयों को अंधेरी दुनिया से आजाद कर सकूं। लेकिन तभी एक चिड़िया उस पर पॉटी कर देती है। क्या भाई, कोई जेती नहीं है इसकी। तो अब इससे इजी गुस्से में घर वापस आ जाती है।
वहीं पर हाची उसके लिए ड्रैगन महात्मा उसके लिए ढूंढ रहा था। तेजी कहती है, तुम तो मेरी हेल्प नहीं करना चाहते थे, तो अब क्या हुआ? तो हाची कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम किसी और को न मारो। वह इधर एंथनी प्रोफेसर स्वादा से मिलने आता है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। तभी वहाँ पर मिस अरिसा आ जाती है, जो सब बिखरा हुआ देखकर कहती है, ये तुमने किया है ना? तो एंथनी घबराते हुए गलती से कह देता है कि ये मैंने नहीं किया है, जरूर ये काम उस योकाई ने किया होगा। तो मिस अरिसा कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि ये काम उस योकाई का है, और मुझे प्रोफेसर स्वादा का ईमेल आया था कि अब से वो कॉलेज नहीं आएंगी। तो एंथनी कहता है, तब तो हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन अरिसा उसे मना करती है, ये काम पुलिस का नहीं बल्कि जादूगरों का है, और मैं उन्हीं जादूगरों की फैमिली से हूँ, लेकिन मैं अभी सीख ही रही हूँ, और उसे एक मैजिक करके दिखाती है। वहीं इधर जब हाची और रिजी साथ में कॉफी पी रहे थे, तभी वहाँ पर हाची की बहन और मॉम उसे देख लेती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? तो हाची को मजबूरन बताना पड़ता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन हाची की बहन को तो यकीन ही नहीं होता, बिल्कुल मेरी बहन की तरह, कि भाई इस चोमो की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। तो रिजी से कहती है, क्या इसके पास तुम्हारा कोई वीडियो तो नहीं है ना, जो ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हो? तो हाची अपनी बहन को साइड करता है कि छोड़ दे चुड़ैल इसे। तभी हाची की मॉम इजी को शाम की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन हाची नहीं चाहता था कि इजी उसके डैड के सामने आए, क्योंकि वो एक पुलिस वाले थे तो उन्हें इजी पर शक हो सकता था। लेकिन इजी हाची की बात नहीं मानती और अपना ड्रेस चेंज करते हुए उसके डैड की पार्टी में आ जाती है, जहाँ हाची की मॉम को इजी इस कपड़े में काफी पसंद आती है। तभी उस पार्टी में मिस अरिसा और एंथनी भी आते हैं। तभी थोड़ी देर में हाची का डैड भी आ जाते हैं, तो पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ इजी फिश को ऊपर फेंक कर तलवार चलाने लगती है, जिसे देख हाची का डैड कहते हैं, क्या बात है भाई, मस्त लड़की पटाई मेरे बेटे ने। तो वही इजी जब बाथरूम में जाती है तो उसके पीछे मिस अरिसा भी वहाँ आ जाती है, जो इजी से कहती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तभी इजी अरिसा के हाथ में ब्रेसलेट देख लेती है, तो उसे पकड़कर टेलीपोर्ट होकर बाहर ले आती है और उसका गला पकड़ते हुए कहती है कि तुम कौन हो? मैं हाची की वजह से चुप हूँ, वरना अब तक मैं तुम्हें जान से मार देती। तो अरिसा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हाची तुमसे प्यार करता है? बल्कि वो तो तुमसे डरता है, क्योंकि भले ही तुमसे प्यार करती हो लेकिन हो तो एक डेमन ही। अब ये सुन इजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे मारने जाती है, लेकिन तभी उसे हाची की बात याद आती है कि तुम किसी और को नहीं मारोगी, इसलिए इजी बिना कुछ करे वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर हाची की बहन अपने डैड को इजी की एक वीडियो दिखाती है, जिसमें उन्हें एक चेन दिखती है जो उन्हें टनल में मिली थी, और साथ ही उसके अजीब कपड़े देखकर उन्हें उस पर शक हो जाता है। वहीं एंथनी हाची को बताता है कि मैंने मिस अरिसा को इजी के बारे में सब कुछ बता दिया, और अरिसा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जादूगर है। तो हाची एंथनी पर गुस्सा होने लगता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने इजी के बारे में क्यों बताया? तो एंथनी कहता है कि इजी एक खूनी है और अपने भाइयों को आजाद करने के लिए पता नहीं किस किस को मारेगी। अब ये सुन हाची उससे नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं इधर इजी हाची को मैसेज करके बताती है कि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरी असलियत क्या है, लेकिन हाची तो उसे ड्रैगन महात्मा के ऑनर का लोकेशन भेज देता है। अब इजी जब वहां पर जाती है तो वहां पे उसे वही आदमी मिलता है जो हाची और इजी से पहले भी मिल चुका था, और वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि उन 5 क्लैन में से एक था। लेकिन अब तक इजी को ये बात नहीं पता थी कि ये आदमी उन 5 क्लैन में से है। तो इजी कहती है कि मैं ड्रैगन महात्मा को ढूंढ रही हूँ। तो आदमी कहता है कि वो मेरे पास है और उसे साथ चलने के लिए कहता है, और रास्ते में उसे फूल के कुछ पौधे दिखाता है कि ये फूल मेरी तीसरी बीवी ने लगाए थे, जो बहुत ही अच्छा चुम्मा देती थी। तो इजी कहती है, पर मैं नहीं देने वाली, क्या भाई असली ले बुड्ढा। वही इधर हम कोकी को देखते हैं, जिसे तनकाई ने मुर्दा घर से अगवा करके उसे फिर से जिंदा कर दिया था। क्या भाई चैन से मरने भी नहीं देते ये लोग। वही इजी अब उस आदमी के घर में आती है, जहाँ वो आदमी इजी को अपने जादू से बांध देता है और हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम साइकिल निमोनिया है, ये तो किसी बीमारी का नाम लगता है। अब उसका नाम सुनते ही इजी समझ जाती है कि ये उन 5 क्लैन में से एक है जिसका सर उसे चाहिए। फिर निमोनिया उसे ड्रैगन महात्मा दिखाता है, जिसे देख इजी उसे महात्मा मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता और उल्टा उसकी शक्तियाँ लेने उसके पास आता है। लेकिन तभी इजी उसकी कैद से आजाद हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होती है। तभी वहाँ पर हाची आ जाता है, जहाँ अब तक इजी ने निमोनिया का सर उड़ा दिया था। तो हाची इजी से कहता है कि तुमने एक और बेकसूर को मार दिया, लेकिन इजी कहती है ये कोई बेकसूर नहीं था। लेकिन हाची को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम किसी को नहीं मारोगी। तो इजी कहती है, हाची आखिर तुमने मुझे आजाद क्यों किया? तो हाची कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए मैंने हर वो चीज किया जो मैं कर सकता था। भाई ये तो मेरी तरह है। खैर हाची इजी से काफी नाराज था कि अब ये सब मैं और नहीं देख सकता, इसलिए मैं अब पुलिस को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इजी हाची को बेहोश कर देती है और वहां से चली जाती है। वहीं इधर हाची का डैड इनुकाई उन सभी लोकेशन का मैप बनाते हैं जहाँ पर ये सभी हादसे हुए थे। तभी वो मैप एक स्टार की शेप में बनता है, तो वो सभी उन लोकेशन पर चेक करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं इधर एंथनी हकीकी को लेकर अरिसा के गांव जा रहे थे, क्योंकि अरिसा के अंकल एक जादूगर थे और उसके घर पर काफी ऐसी चीजें थी जिससे इजी
किसी को रोका जा सकता था। वही रेंजो गुस्से में तनकाई के पास आता है कि अब निमोनिया भी मर चुका है और अब सिर्फ 3 क्लैन के लोग ही बचे हैं। तो तनकाई कहता है कि क्या तुम 5वीं क्लैन के गार्जियन के बारे में जानते हो। तो रेंजो कहता है हाँ, 5वीं क्लैन की गार्जियन मोरोमोरो ने 15 साल पहले अपना खून किसी बच्चे को पिलाकर उसे अपना गार्जियन बना दिया था, लेकिन उस बच्चे को भी नहीं पता कि वो किसी क्लैन का हिस्सा है। अब इजी को रोकने के लिए तनकाई एक गुफा में आता है जहाँ वो अपना ब्लड से अपने 500 साल पुरानी आर्मी को फिर से जिंदा कर देता है। वहीं इधर जब हाची को होश आता है तब तक वहाँ पर उसका डैड इनोकाई और नीको पहुँच जाते हैं जहाँ हाची के बगल में उस मॉन्क की बॉडी पड़ी थी जिसे इजी ने मारा था। अब इसके बाद इनोकाई उसे पुलिस स्टेशन लाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम एक डेड बॉडी के पास क्या कर रहे थे और वो आदमी कौन था। फिर नीको उससे इजी की फोटो दिखाती है कि ये कौन है और तुम इन सब के बारे में क्या जानते हो, लेकिन हाची तो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब वहीं अंतरी अरीसा को बताता है कि मेरे मोटे और काले होने की वजह से स्कूल में सब मुझे बुली करते थे, लेकिन हाची अकेला ऐसा था जो मुझे बुरी होने से बचाता था और मेरी हेल्प भी करता था। इसलिए हाची कैसा भी हो लेकिन वो हमेशा लोगों के अंदर अच्छाई ही देखता है। वहीं इधर इनोकाई हाची से अकेले में बातचीत करता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने नहीं किया है, इसलिए जो भी सच जानते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो हाची अपने डैड को सब कुछ सच बताने लगता है कि आखिर कैसे एक गलती की वजह से उसने एक योकाई को अंधेरे की दुनिया से आजाद कर दिया जो उन 5 क्लैन के लोगों को मारकर अपने योकाई भाइयों को आजाद करना चाहती है जिन्हें उन 5 क्लैन के लोगों ने 500 साल पहले कैद किया था। और बताता है कि एक और ज़ॉम्बी सामुराई है जो इजी को मारना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इजी को कुछ भी हो क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अब ये सुन उसके डैड हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता कि भाई पागल हो गया मेरे बेटा। वहीं इधर एंथनी और हकीकी अरीसा के गाँव पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक काफी पुरानी लाइब्रेरी थी। अरीसा बताती है कि मेरी फैमिली सालों से योकाई से लड़ते आ रही है। तो एंथनी उसके फैमिली के बारे में पूछता है जहाँ अरीसा अपनी मॉम और डैड के साथ कहीं पर जा रही थी तभी रास्ते में कोई गिरा पड़ा था। जब उसके पेरेंट्स उस आदमी को उठाने जाते हैं तो वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक योकाई होता है जो अरीसा के मॉम और डैड को मार देता है और तब से उसका ये घर उसके अंकल ही संभालते हैं। फिर अरीसा कहती है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा स्क्रोल ढूंढना है जिससे इजी को वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सके। वह इधर हाची को पुलिस स्टेशन में इजी की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ इजी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए तुम मुझे सुन सकते हो। तो हाची इजी से कहता है लेकिन तुम हो कहाँ। तभी इजी अपनी पावर से हाची को टेलीपोर्ट कर देती है। वहीं जब नीको हाची को देखने आती है तो वहाँ पर हाची नहीं मिलता जिससे पूरे पुलिस स्टेशन में सभी उसे ढूंढने लगते हैं कि हाची कहाँ गया। वहीं हाची जिस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था वहाँ पर इजी नहीं थी, उसने तो सिर्फ उसे पुलिस स्टेशन से आजाद कराया था। वहीं इधर एंथनी हकीकी को प्रपोज करने जाता है लेकिन तभी गलत टाइम पे हाची उसे कॉल कर देता है और कहता है कि हमें इजी को किसी तरह रोकना होगा। तो एंथनी कहता है क्यों भाई, तूने तो मेरे साथ दोस्ती तोड़ ली थी ना। तो हाची कहता है गुस्सा छोड़ भी दे भाई, तू भूल गया क्या कि बचपन में हम एक ही चड्डी में साथ खेला करते थे। तो हकीकी कहती है कि हम मिस अरीसा के गाँव में है और इजी को ही रोकने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो तुम भी यही आ जाओ। वही हम इजी को देखते हैं जो ड्रैगन मगात्मा से उन 5 क्लैन के वारिसों का पता लगा रही थी। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। फिर वो लड़की एक बच्ची के रूप में उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे अच्छा रूप बदल सकती हूँ और उसे एक जोरदार पंच मारती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक मछली बन जाती है लेकिन इजी उसे मगात्मा से पहचान लेती है और एक झटके में ही उसका सर उड़ा देती है। अब उसे सिर्फ 2 और सर चाहिए थे। तो ड्रैगन मगात्मा से 4th क्लैन के मेंबर के पास पहुँच जाती है लेकिन इस बंदे के पास भी पावर थी तो उसे लगता है कि वो इजी को हरा देगा, लेकिन इजी तो एक झटके में ही उसका सर उड़ा देती है। क्या भाई, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा गया। वही इधर अरीसा देखती है कि उसके घर के बाहर कुछ जॉम्बी जैसे लोग आ रहे हैं। तभी वहाँ तनकाई आता है जो अपनी पावर से कैमरा बंद कर देता है और अरीसा के घर के अंदर घुसने लगता है। तो अरीसा उन सब पर जादू करने जाती है लेकिन इतने में तनकाई उसे रोक लेता है और पूछता है कि वो लड़का कहाँ है जिसने योकाई के साथ संबंध बनाया था। तभी वहाँ पर हाची भी पहुँच जाता है जिसे देखते ही तनकाई उसका गला पकड़ लेता है कि अब तुम नहीं बचने वाले, तुम्हें मारते ही वो भी मर जाएगी। लेकिन हाची कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बल्कि मेरे मरने के बाद इजी गुस्से में तुम्हारा क्या हाल करेगी ये तुम याद रखना। तो तनकाई उसे छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में वो सब अरीसा के घर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि वो रास्ता लेके आए हों। क्या भाई, क्या चल रही है। फिर अरीसा कहती है कि हमारा मकसद एक ही है कि किसी तरह इजी को यहाँ से वापस भेज जाए। तो तनकाई कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और इजी का अगला टारगेट तुम ही हो क्योंकि तुम भी उन 5 क्लैन में से किसी एक की वारिस हो और इसका सबूत तुम्हारे ये ब्रेसलेट है। फिर वो उसे बताता है कि 500 साल पहले वो 5 क्लैन के लोग इपोंगी, निमोनिया, मिक्रोबे, यूमोडा और मोरे मोरे ने उन सभी बचे हुए योकाई को अंधेरी की दुनिया में कैद कर दिया था, लेकिन किसी तरह कुछ योकाई इस दुनिया में आकर उन 5 गार्जियन या उनके वारिस को मारकर बाकी योकाई को
आजाद करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन योकाई को कभी कामयाब नहीं होने दिया। फिर एक दिन क्लैन के लीडर मोरोमोरो ने अपनी शक्तियाँ किसी एक लड़के को दे दी जिसे कोई नहीं जानता, ताकि अगर वो मर भी जाए तो योकाई को रोकने के लिए उसका वारिस जिंदा रहे। और ऐसे ही सभी क्लैन के लोगों ने किसी न किसी को अपना वारिस बना दिया है, ताकि सही समय आने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। अब इस बात का पता लगाने के लिए अरिसा अपने अंकल को कॉल करती है, जो कोई और नहीं बल्कि रेंजो होता है। तो उसे सच बताता है कि तुम भी एक क्लैन का हिस्सा हो। तब अरिसा समझ जाती है कि उसके डैड भी क्लैन का हिस्सा थे, इसलिए एक योकाई के हाथों मारी गई। अब सभी स्क्रोल ढूंढने लगते हैं जिससे इजी और आची को अलग किया जा सके। तभी उन्हें स्क्रोल मिल जाता है, तो तेनकाई कहता है कि अब हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ एक सीड बना सके। तो एंथनी कहता है कि आज हमारा गेमिंग कॉम्पिटिशन है और वहाँ पर काफी जगह है रिचुअल करने के लिए। वही हम टावर पे इजी को देखते हैं जो काफी दुखी लग रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इंसान सभी योकाइस को मार रहे थे, इसलिए इजी की माँ अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वह सामुराई तेनकाई आ जाता है, जो उसकी माँ से कहता है कि उन 5 क्लैन के लोगों ने तुम्हारी पावर छीनने और बंदी बनाने का हुक्म दिया है। लेकिन इजी की माँ इजी को देने से मना कर देती है, लेकिन तेनकाई कहता है अब से इंसान और योकाई एक साथ नहीं रह सकते। तो इजी की माँ तेनकाई पर हमला कर देती है, लेकिन तेनकाई उसकी माँ को जान से मार देता है। वही हम इनुकाई को देखते हैं जहाँ वो अपनी वाइफ से कहता है कि हाची मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ ये सब उसने नहीं किया है, तो तुम चिंता मत करो, मैं हाची को सही सलामत कर ले आऊंगा। वही इधर तेनकाई सबको लेकर वन से निकल चुका था, तो कोकी हाची से पूछता है कि तुम तो इजी के साथ वो सब कर चुके हो, तो इजी तो काफी सच्ची है ना, क्या भाई असली ले जॉम्बी? तो हकीकी कहती है कैसे घटिया लोग हो भाई तुम, इधर अरिसा के जान जाने वाली है और तुम सब फिगर की बातें कर रही हो। अब वो सब गेम कॉन्टेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ आते ही तेनकाई अपने एक जॉम्बी को तलवार घुसा देता है, जिसे देख डर के मारे वहाँ सभी लोग भाग जाते हैं। तब अरिसा उन्हें मंत्र देती है कि इस पहले मंत्र से हम आची और इजी को अलग करेंगे, फिर दूसरे मंत्र से इजी को वापस अंधेरे की दुनिया में भेज देंगे। तभी इजी ड्रैगन मगात्मा लेकर वहाँ आ जाती है, तो तेनकाई अपनी जॉम्बी आर्मी को इजी से लड़ने भेज देता है, लेकिन इजी उन्हें आसानी से हरा देती है। लेकिन तेनकाई अचानक से उस पर हमला कर देता है, जिससे इजी दूर जा गिरती है। तभी उसे याद आ जाता है कि बचपन में वो सामुराई तेनकाई ही था जिसने उसकी माँ को मारा था। अब इतना याद आते ही इजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तेनकाई पर काफी गुस्से में वार करने लगती है। तभी अरिसा पहला मंत्र पढ़ती है जिससे इजी की पावर कमजोर हो जाती है। तभी वो दूसरा मंत्र पढ़ के उसे अंधेरे की दुनिया में भेजने जाती है, लेकिन तेनकाई हमला करके उसे रोक देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो इजी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, इसलिए वो इजी को जान से मारने जाता है। लेकिन तभी बीच में हाची आ जाता है कि तुम इजी को नहीं मार सकते, लेकिन तेनकाई उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जहाँ वो ड्रैगन मगात्मा के पास जा गिरता है, जिससे उसे कुछ याद आने लगता है कि बचपन में वो अपनी ग्रैंडमा के साथ वाटरफॉल के सामने खड़ा था। वहीं इधर तेनकाई इजी को कमजोर पाकर उसकी बॉडी में तलवार घुसा देता है। अब इससे कॉकी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो मेरी तरह ही इजी को बहुत ही पसंद करता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जान तेनकाई के हाथ में जो है। फिर तेनकाई कहता है कि यहाँ पर क्लैन की मेंबर को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दो, तो उसकी जॉम्बी आर्मी हाची के दोस्तों को मारने जाती है। वही तेनकाई इजी को जान से मारने जाता है। इतने में कॉकी मंत्र पढ़ रहे लोगों को मारने लगता है, जिससे जादू चक्र टूट जाता है, और तब पलक झपकते ही इजी तेनकाई को ही मार देती है। इसके बाद इजी अरिसा को मारने जाती है, तभी हाची मगात्मा लिए इजी के सामने आ जाता है। तो इजी देखती है कि मगात्मा तो हाची की ओर इशारा कर रहा है, तो हाची इजी से कहता है कि मुझे याद आ गया है कि 15 साल पहले मेरी ग्रैंडमा ने मुझे अपना खून पिलाया था, यानी मैं भी उन 5 क्लैन के लोगों में से एक हूँ। फिर वो इजी से कहता है कि मैं तुम्हारा आखिरी टारगेट हूँ, तो चलो मुझे मार दो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। आखिर आज वो दिन आ ही गया, लेकिन इजी तो उसे मारने से मना कर देती है। तो हाची कहता है कि तुम मुझे मारकर अपने साथियों को आजाद कर लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और को चोट नहीं पहुंचाओगी। तभी इजी के पेट में तलवार का घाव काफी तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो हाची उसके पास आता है। वहीं अरिसा इजी को अंधेरे की दुनिया में भेजने के लिए मंत्र पढ़ देती है। तभी इजी हाची के गाल को टच करते हुए कहती है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए मुझे माफ करना। फिर वो गायब होकर अंधेरे की दुनिया में वापस चली जाती है, जिससे हाची काफी दुखी होता है। वही कॉकी तेनकाई का ब्रेसलेट ले लेता है और उसकी आर्मी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर रेंजो भी आ जाता है, जो हाची से कहता है कि तुम्हारे पास गार्चेन और योकाई दोनों की शक्तियाँ हैं, अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो वो शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। ये कहकर वो हाची को मारने जाता है, लेकिन इतने में हाची का डैड और पुलिस वाले रेंजो पर गोली चला देते हैं। फिर हाची का डैड हाची के पास आकर उसे हक कर देते हैं। अब हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ न्यूज पर इनकाई इन सभी हादसों का दोषी रेंजो और कुछ हाई सोसाइटी मेंबर्स को बताता है। वही इधर जेल में रेंजो से मिलने मोरोमोरो आती है, जो उससे पूछती है कि वो योकाई अर्थ पर कैसे आई। तो रेंजो कहता है उस फॉरबिडन बुक की वजह से। तो लेडी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बुक के
की शक्तियों को हमसे चुरा लोगे और हमें पता तक नहीं चलेगा। ये कहकर वो मैजिक से रेंजो की याददाश्त मिटा देती है। वही हम हाची को देखते हैं जो ड्रैगन मगात्मा को देखकर अब भी जी को याद कर रहा था। जब वो मगात्मा कवर्ड में रखकर चला जाता है तो वो काफी तेज चमकने लगता है। वही लास्ट के सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि ईजी होती है, जो किसी तरह अंधेरों की दुनिया से वापस लौट आई थी। एंड दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।